हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निशा अग्रवाल और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल अलंकृत वास्तु में। आज हम बात करेंगे टॉरस वृष राशि के लोगों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है और उनके लिए हमने कार्ड शफल कर लिए और अब हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे जिसमें हम जानेंगे उनका हेल्थ, उनके रिलेशनशिप्स, उनका फाइनेंसेस, करियर, उनकी लाइफ में आने वाली ऑब्स्टिकल्स और यूनिवर्स उन्हें क्या गाइड करना चाहता है कि वो उनकी लाइफ बहुत ही पीसफुल और अच्छी रहे। जो प्रेजेंट में आप करेंगे उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके फ्यूचर लाइफ पर आता ही है। तो सबसे पहले जानते हैं टॉरस के लिए। ओवरऑल उनके लिए हम देखें तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स और सिक्स द लवर्स, ये कार्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये समझ आता है कि टॉरस के लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा तो रहेगा, पर उन्हें ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो उन्हें कहीं धोखा दे सकते हैं या उन्हें बीच में छोड़ सकते हैं। कोई रिलेशनशिप बीच में छूट सकता है, कोई काम बीच में छूट सकता है, कोई जॉब बीच में छूट सकता है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेरी चीज़ें होने के चांसेस लग रहे हैं। हेल्थ में भी थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि चीज़ों के लिए सिचुएशंस में आपने जितना एफर्ट डाला है, जितनी मेहनत की है, जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने की कोशिश की, उस तरह से आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो वो पूरा असर आपकी हेल्थ पर आ सकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, एनर्जी लेवल, फिजिकल बॉडी एकदम एक्टिव लगेगी बट इंटरनल बॉडी सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अच्छा ही दिखा रहा है क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, बट आपको फिर भी अपने लस्ट और लव में से एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। मीन्स अगर आपके पास कोई अदर चॉइसेस आती हैं तो भी आपने उस चॉइस पर अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आपको सोच समझ लेना चाहिए। बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप के कार्ड्स आए हैं। द लवर्स इंडिकेट करता है कि बहुत अच्छे ग्रूमिंग रिलेशनशिप्स हैं जो समय के साथ और एंजल ब्लेसिंग्स के साथ हील हो रहे हैं और आपके थॉट्स में क्लैरिटी भी आ रही है। अगर आपके फाइनेंसेस, जॉब, करियर की बात करें तो पेज ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि आपको थोड़ा फोकस बढ़ाना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी है। अभी चीज़ें बहुत सेटल डाउन हैं, वो और ग्रो कर सकती हैं बट आपकी लापरवाही के कारण कोई परेशानी भी आ सकती है, तो थोड़ा सावधान रहिए। पास्ट में अगर कुछ फेलियर्स का सामना करना पड़ा है या कुछ और लॉसेस देखे हैं तो उन सबको कैरी नहीं कीजिए। नींद से जुड़ी समस्या भी हो सकती है कि रात को नींद ना आए, परेशानी बढ़े, तो उसके लिए भी आप अभी से ही ध्यान रखिए और बुरे सपने की तरह उन चीज़ों को भूल जाइए जो भी आपने लाइफ में पास्ट में कुछ ख़राब चीज़ें अगर देखी भी हैं। तो समय के साथ सब कुछ अच्छा होगा। जैसे सूरज की किरणें धीरे धीरे अंधेरे को दूर कर देती हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में भी क्लैरिटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलेंगे। लेकिन आप समय दीजिए, पेशेंस रखिए। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सही और गलत में एनालाइज करना है। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ेंगे तो आपको प्लैनेटरी पोजीशंस भी हेल्प करेंगी। आपका एफर्ट मैटर करता है, अगर आपने एफर्ट ही नहीं डाला तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए क्योंकि आप फिज़िकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और पेज ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, ये कार्ड इंडिकेट करते हैं कि आपका फ्यूचर भी बहुत सिक्योर्ड है। अगर आप इस तरीके से चलते हैं, टेम्परेरी चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, मीन्स अगर कोई धोखा दे रहा है उसके बारे में आपको मालूम चल गया और आप एक डिसीज़न लेते हैं या आप चीज़ों को परमानेंटली पूरा करते ही हैं, बीच बीच में नहीं छोड़ते हैं, तो आपका फ्यूचर भी बहुत सिक्योर है। एक्सटर्नल फैक्टर्स से
उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, एक्सटर्नल सोर्सेज उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे आपको। थोड़ा सा लॉजिकल और लीगल इश्यूज पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपका काम चल रहा है तो वो डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिए। लीगल इश्यूज अगर हैं तो उनके लिए अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए और अपने थॉट्स को थोड़ा सा बांध कर चलिए, क्योंकि कहीं बहुत बार हम किसी से कोई बात शेयर करते हैं और दूसरा बड़ा इमैच्योर अपना कंक्लूजन दे देता है और हम ना चाहते हुए भी उस कंक्लूजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके ही डिसीजंस को मान लेते हैं। तो आपने इमैच्योरिटी खुद भी नहीं दिखानी है और किसी भी इमैच्योर पर्सन से भी आपको कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही धीरे धीरे अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाइए। आप खुद सक्षम हैं, आप खुद प्रेजेंटेबल बनिए, आप खुद से चीज़ों को जितना बहुत ही ग्रेसफुल वे में आगे लेकर जाएंगे, चाहे वो आपका रिलेशन है, हेल्थ है, करियर है, उसमें सक्सेस थोड़ी स्लो ज़रूर होगी बट श्योर होगी और परमानेंट होगी। तो आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह से कैरी कीजिए, उन्हीं को ही अच्छे से नरिश कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। टॉरस वृष राशि के लोगों के लिए हमारे पास तीन क्रिस्टल हैं, एमिथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्स एंड रोज क्वार्ट्स। एमिथिस्ट हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शंस को डिनोट करता है, हमारी क्लैरिटी को रिलेट करता है। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, जैसा कि कार्ड्स ने भी हमें बोला है, और स्पिरिचुअल कनेक्शंस की भी ज़रूरत है, तो आप एमिथिस्ट यूज़ कर सकते हैं या पर्पल कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, आपको क्लैरिटी भी चाहिए, आपको विल पावर भी स्ट्रांग रखना है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस ग्रोथ को भी एक्सेप्ट करना है। तो आप क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज दोनों क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप पिंक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। इन कलर्स की एनर्जी आपको धीरे धीरे सक्सेस पाने में हेल्प करेगी और आपके सामने क्लैरिटी लाती जाएगी। जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ने हमें शो किया कि सन की एनर्जी की तरह हमें क्लैरिटी मिलना शुरू होगा, उसके लिए आप क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप इमोशनली बैलेंस्ड भी हो जाएंगे। तो ये थी हमारी टॉरस वृष राशि के लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए।